और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात के हक में डट गए। शहर कायद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। दरामदी और बरामदी सामान की तरसील रोक दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। कराची में एक्सल लोड कानून के अदम नफाज और रोड परमिट फीसों में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया। दरामदी और बरामदी सामान की तरसील आज भी न हो सकी। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि विफाकी सतह पर तहाल किसी ने राबता नहीं किया, हम एहतजाज कर रहे हैं और विफाकी वजारत मवासिलात खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पूरे मुल्क में एक्सल लोड लिमिट फिल फोर नाफिज किया जाए। अब एक 40 साल से ड्राइवरी कर रहा है बंदा, एक्सपर्ट है, तो अगर उसका लाइसेंस जाली हुकूमत ने बना के दिया तो उसमें ड्राइवर की क्या गलती है? हुकूमती पॉलिसियों से नाला गुड ट्रांसपोर्टर्स मुतालिबात के हक में डट गए हैं। मुतालिबात मंजूर ना होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान करते हुए गैर मुयना मुद्दत के लिए मुकम्मल हड़ताल का इंदिया दे दिया है।